हेलो दोस्तों, फार्मिंग लाइन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो जानकारी है वो है वाइटमैच के बारे में, कि वाइटमैच का यूज़ कैसे करें और कौन सी कंपनी का वाइटमैच बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम वाइटमैच कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप जैसे वाइटमैच ये जो टेनेंटा कंपनी का है, ये भी बहुत बढ़िया वाइटमैच है। अगर आपको ये वाइटमैच कहीं से नहीं मिल रहा तो आप मैनकाइंड कंपनी का जो आता है मल्टी स्टार वाइटमैच, बहुत बढ़िया है, वो भी सेम क्वालिटी है इसके साथ। और अगर आपको वो भी कहीं अवेलेबल नहीं है तो एक आता है वीटामोर एच प्रोवेलिस कंपनी का, तो दोस्तों वो भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और वो भी आम मिल जाता है। तो दोस्तों, ये दो तीन प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है जिसे मैंने खुद यूज़ किया है। और अगर आपको ये दो तीन प्रोडक्ट में कोई भी नहीं मिलता है इन तीनों कंपनी के अलावा, तो दोस्तों आप कोई बढ़िया कंपनी, जो फेमस कंपनी हो, नामवर कंपनी का ही प्रोडक्ट ये यूज़ करें, आम कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ मत करें। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके फ़ायदों के बारे में, कि ये फ़ायदे क्या करता है। तो दोस्तों, वाइटमैच जो है वो है अडर के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो दोस्तों, अडर की जो मांसपेशियां होती हैं उन्हें मजबूत कर देता है। मांसपेशियों को मजबूत करने से क्या होता है कि आपके पशु के जो दूध बढ़ाने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और अडर ज़्यादा से ज़्यादा दूध को सामने में समर्थ हो जाता है। और इसके साथ साथ आपका पशु का जो है अडर है वो बहुत ही बढ़िया और प्रभावशाली बन जाता है। आपके पशु की जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आपके पशु की चमड़ी है जो, वो बहुत बढ़िया और प्रभावशाली बन जाती है। और जैसे आपके पास अगर बुल है और उसे भी आप वाइटामिन दे सकते हैं, तो उसे वाइटामिन देने से क्या होता है कि जो स्पर्म काउंट में है वो इम्प्रूव हो जाता है, और आपका जो बुल है उसके स्पर्म बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के बन जाते हैं। और हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपके जो कटड़ियाँ बछड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं, तो उन्हें भी आप 3 से 4 ml हर रोज़ देना शुरू कर देंगे, तो उससे आपकी जो कटड़ियाँ बछड़ियाँ हैं उनकी वीकनेस ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपका पशु दूध दे रहा है और आप उसे भी ये वाइटामिन दे सकते हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ फ़ायदे ही हैं इसके। और हाँ दोस्तों, एक एक बात ज़रूर है, अगर आप वाइटामिन को 20 ml से ज़्यादा दोगे तो आपके पशु को जो मस्टाइटिस है वो हो जाता है, और मस्टाइटिस होने के कारण क्या होता है, अडर में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग होने के बाद आपके पशु का जो दूध है वो जमकर झुर्रियों के रूप में आ जाता है, और आपके पशु के अडर में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उससे जो थन है वो खटने का चांस ज़्यादा हो जाते हैं और थन ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों, वाइटामिन को 20 ml से ज़्यादा मत दीजिए, सही डोज इसकी 10 से 15 ml ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ml हम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा वाइटामिन को नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत बढ़िया लगी होगी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।